ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। आज हम आपको रुद्राक्ष से होने वाले कई अनेक फ़ायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, रुद्राक्ष को कहा जाता है कि रुद्राक्ष महादेव के आंसुओं से बने हैं और इनमें महादेव का अंश होता है। लेकिन ये आपके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जानकारी शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। रुद्राक्ष की माला पहनने से मन शांत रहता है। यदि आपका मन विचलित रहता है तो रुद्राक्ष की माला धारण करें, इससे आपको शांति मिलेगी। रुद्राक्ष धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, जो कि एक बेहद अच्छी चीज है यदि आप व्यापार या किसी नौकरी में हैं तो। यदि आपको आर्थिक समस्याएं हैं, धन नहीं सही से कमा पाते हैं तो आपको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति की धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति का काम करने में मन लगने लगता है और यदि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में खास करके पेशे से जुड़ी, नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्याएं, बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। रुद्राक्ष को या फिर रुद्राक्ष की माला को तुलसी की माला की तरह पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे लाल या फिर पीले धागे में पहन के ही धारण करना चाहिए। इन दो के अलावा किसी और रंग में धारण ना करें, इस बात का ध्यान रखें, लाल या पीला। रुद्राक्ष धारण करने से तनाव और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है, साथ ही मन भी शांत रहता है। अब सबसे ज़रूरी बात, रुद्राक्ष धारण करने का नियम भी सुन लें। रुद्राक्ष को या तो सोमवार के दिन या फिर सावन में किसी भी दिन या फिर महाशिवरात्रि के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। खास करके अगर आप सावन में या फिर महाशिवरात्रि के दिन करें तो और भी बेहतर होगा, अन्यथा आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। इसी के साथ रुद्राक्ष की माला को 1, 27, 54 या फिर 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए। यानी माला में इन चारों में से ही एक संख्या रुद्राक्ष की कोई होनी चाहिए और किसी भी धातु के साथ धारण करने से व्यक्ति को लाभ दुगुना हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। किंतु इन बातों का ध्यान रखें कि रुद्राक्ष की माला को धारण करने के बाद मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से बचें और इसी के साथ रात्रि को सोते समय भी रुद्राक्ष को निकाल दें। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष के बहुत लाभ हैं, जैसे हमने आपको बताया। आप अपनी समस्या अनुसार उपाय कर सकते हैं रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष को धारण करने से ही जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों आप अपने कर्म करते रहिए, रुद्राक्ष की माला धारण करिए, फिर देखिए आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।